आइए देखते हैं कि सेगमेंटेशन और मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। किसी सिंगल कम्युनिकेशन प्रोसेस के दरमियान मैसेज को मुसलसल और मैसिव स्ट्रीम ऑफ बिट्स के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। अगर इस थ्योरी को मद्देनज़र रखा जाए तो यूँ मालूम होता है कि उस दौरान एक ही मैसेज पूरे नेटवर्क पर हावी हो जाएगा और इस दौरान किसी और डिवाइस को अपना मैसेज ट्रांसमिट करने का मौका नहीं मिलेगा और इस तरह नेटवर्क पर बोझ की सूरत में बाकी मैसेजेस को डिले का सामना करना पड़ेगा। और अगर इन केस नेटवर्क में कोई ख़राबी आ जाती है तो पूरे का पूरा मैसेज रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। इसका क्या हल है? इसका बेहतरीन हल ये है कि एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया जाए। डेटा को छोटे पीसेज में डिवाइड करने के इस अमल को सेगमेंटेशन कहते हैं। इन सेगमेंट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए मुनज़्ज़िम किया जाता है, जिसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। गोया मल्टीप्लेक्सिंग से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ डिजिटल डेटा स्ट्रीम्स को जोड़कर एक सिग्नल बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में मैसेज को पहले सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और बाद में इसको मल्टीप्लेक्सिंग के ज़रिए एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करके मुख्तलिफ मुतलका डेस्टिनेशंस तक पहुँचाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चूंकि डेटा ने मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस तक जाना होता है, इसलिए किसी भी डेस्टिनेशन में कोई मसला होने की सूरत में डेटा स्ट्रीम बाकी डेस्टिनेशंस तक कामयाबी से पहुंच पाती है। एक नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्लेटफॉर्म है जो कि कम्युनिकेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाता है। नेटवर्क डिवाइसेस इंसान और डेटा नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन में मदद फराहम करते हैं। ये डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, नंबर वन एंड यूज़र डिवाइसेस और नंबर टू इंटरमीडियरी डिवाइसेस। नेटवर्क की इस्तलाह में एंड यूज़र डिवाइसेस को होस्ट कहते हैं। होस्ट या तो सोर्स होता है या फिर डेस्टिनेशन होता है। जैसा कि हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में मैक एड्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि हर होस्ट का एक मैक एड्रेस होता है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के दौरान हर होस्ट अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर लिए होता है जो कि उसके मुतलका मैसेज के अंदर मेंशन्ड होता है, ताकि उस मैसेज को अपने रिस्पेक्टिव होस्ट को आइडेंटिफाई करने में किसी मुश्किल का सामना ना हो। आइए देखते हैं कि इंटरमीडियरी डिवाइसेस क्या होते हैं। इंटरमीडियरी डिवाइसेस ना तो सोर्स होते हैं ना डेस्टिनेशन होते हैं। इनका काम नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसमिट करना होता है। इनकी फंक्शनलिटी बज़ाहिर तो एंड यूज़र की निगाहों से ओझल होती है, लेकिन ये दरअसल नेटवर्क पर मुख्तलिफ होस्ट को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ नेटवर्क्स को बाहम कनेक्ट करने में भी मददगार साबित होते हैं।